कटिहार के डीएम कमल तनुज सोमवार को कटिहार के कई दुकानों में कटिहार के एसपी विकास कुमार के साथ देखे गए। डीएम और एसपी दोनों कटिहार के कई दुकानों में देखे गए और इसी क्रम में कटिहार के डीएम ने 5 दुकानों को 3 दिनों तक बंद रखने का आदेश भी दिया है। दरअसल कटिहार के डीएम कमल तनुज ने कोरोना से बचने और उसके प्रभाव को कम करने के लिए दुकानदारों को इसी शर्त पर दुकान खोलने का आदेश दिया था कि दुकानदार और उनके सभी स्टाफ दुकानों में मास्क पहने हों और जो ग्राहक आए उन्हें मास्क पहने रहने पर ही दुकानों में प्रवेश देना है। इसी बात की रियलिटी टेस्ट करने डीएम खुद कटिहार शहर के कई दुकानों में एसपी के साथ पहुंच गए। डीएम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया जिसमें कुछ दुकानदार डीएम द्वारा जारी आदेश का संपूर्ण पालन करते दिखे तो 5 दुकानदारों को नियम की धज्जियां उड़ाते रंगे हाथ डीएम ने पकड़ लिया। डीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे दुकानदारों पर ना सिर्फ जुर्माना लगाया बल्कि 3 दिनों के लिए उनके दुकान बंद करने के ऑन द स्पॉट आदेश दे दिए। देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज टीम्स भेजी गई थी, टीम्स का गठन किया गया है, ऑफिसर्स को प्राधिकृत किया गया है जो कि पेनल्टी लगा सकते हैं और पूरे जिले में सघन ये जांच कराई गई है दुकानों की और वाहनों की। अभी हम और एसपी साहब भी इसी उद्देश्य से मेन मार्केट में यहाँ कटिहार के हम लोग निकले थे। अभी तत्काल यहाँ 5 दुकानों में उल्लंघन पाया गया है जहाँ मास्क का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो उनको 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया गया है। डीएम कमल तनुज इन दिनों काफी एक्शन मूड में दिख रहे हैं। कब, कहां और किस वक्त डीएम खुद दिख जाएं ये कोई नहीं जानता। इन दिनों अक्सर डीएम के इस तरह की कार्रवाई से कटिहार जिले के लोग उनके मुरीद हो रहे हैं। इन दिनों डीएम की ये ऑन द स्पॉट वाली कार्यशैली लोगों को बेहद पसंद आ रही है, इसलिए तो लोग कह रहे हैं आज फिर सिंघम स्टाइल में कटिहार के बाजारों में दिखे डीएम कमल तनुज। इमरान खान, टाइम्स न्यूज़, कटिहार।